नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, रसायन के क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम आज होंगे घोषित। H1B1 वीजा धारकों की बड़ी मुश्किलें। सिनेमाघरों के खुलने को लेकर सरकार ने जारी की SOP। विजय माल्या मामले पर शिवसेना ने केंद्र सरकार को घेरा। 17 अक्टूबर से फिर से पटरियों पर दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस। गूगल ने इन फोन यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि देश दुनिया की सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साल 2020 के लिए आज नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी, जहां पिछले साल लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। गौरतलब है कि नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने स्थानीय कामगारों की सुरक्षा के लिए चुनाव से पहले H1B1 वीजा को लेकर नई पाबंदियां लगा दी है। विशेषज्ञों की माने तो ये एक ऐसा कदम है जिसका भारत के हजारों IT पेशेवरों पर प्रभाव पड़ने वाला है। चुनी हुई सरकार के मुखिया के रूप में 20वें साल में प्रवेश करने पर आज भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और उनके नेतृत्व की जमकर सराहना की। गौरतलब है कि आज ही के दिन वर्ष 2001 में मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और लगभग 13 साल तक गुजरात का CM रहने के बाद 2014 में वे देश के प्रधानमंत्री बने तथा तभी से देश का वे नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना ही कोरोना वैक्सीन के अभाव में सुरक्षित रहने का जरिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर इन उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान को जल्द ही शुरू किया जाएगा। शिवसेना ने केंद्र सरकार के उस बयान की आलोचना की है जिसमें सरकार ने कहा है कि उसे ब्रिटेन में चल रही गोपनीय कार्रवाई की जानकारी नहीं है, जिसमें भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को भारत में प्रत्यर्पित करने में देरी हो रही है। गौरतलब है कि भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या कथित तौर पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत में वांछित है और वर्तमान में ब्रिटेन में रह रहा है। तेजस एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि करीब 7 महीने की रोक के बाद एक बार फिर 17 अक्टूबर से इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है। गौरतलब है कि COVID-19 के कारण लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को स्थगित कर दिया गया था। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है, जहां 8,575 करोड़ रुपए की लागत से 16.6 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने देश भर में 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों को खोलने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी व मास्क पहनने की अनिवार्यता होगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि अत्यधिक सावधानी बरतने और कम समय के नोटिस के कारण फिलहाल नई फिल्में हॉल में रिलीज नहीं हो पाएंगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर लगाई गई याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में संबंधित कानून के तहत होने वाली शादियों के लिए आपत्ति मांगने को लेकर जारी किए गए जाने वाले सार्वजनिक नोटिस के प्रावधानों को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। RBI की नई गठित मौद्रिक नीति समिति ने आज अपनी 3 दिन की समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये बैठक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच होने वाली थी, लेकिन स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति में देरी के चलते बैठक को टाल दिया गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि हाथरस में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी और हम किसी भी तरह की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, उनकी पत्नी और बेटी को कोरोना हो गया है। आपको बता दें कि आज सुबह अचानक स्वास्थ्य खराब होने के चलते शहरी विकास मंत्री की पत्नी को शिमला के IGMC अस्पताल लाया गया, जहां उनका कोरोना टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बिहार में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने महागठबंधन को छोड़कर NDA का दामन थाम लिया है, जहां BJP ने अपनी सीटों में से 11 सीटें मुकेश सहनी को देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इसके अलावा मुकेश सहनी को विधान परिषद की सीटें भी दी जाएंगी। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के सावेर विधानसभा क्षेत्र में SST ने आज एक कार से ले जाई जा रही 50.90 लाख रुपए की नकदी पकड़ी है। आपको बता दें कि चुनावी खर्च के लिहाज से संवेदनशील घोषित किए गए इस क्षेत्र में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं।
सीबीडीटी ने करदाताओं को फायदा पहुंचाते हुए 1 अप्रैल 2020 से 6 अक्टूबर 2020 के बीच 35.93 लाख से ज्यादा करदाताओं को 1,21,607 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी किया है। आयकर विभाग ने बताया कि 34,09,246 मामलों में 33,238 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड जारी किया गया है। गूगल ने अपने एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए नाइट मोड सपोर्ट रोल आउट किया है, जिसकी मदद से अब यूजर्स कंपनी के सस्ते स्मार्टफोन में भी शानदार फोटोग्राफी का मजा ले सकेंगे। साथ ही खास बात यह है कि ये फीचर आपको कम रोशनी में भी बेहतरीन फोटो क्लिक करने में मदद करेगा। एक नई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कोरोना व्यक्ति के सपनों को भी प्रभावित कर रहा है, यानी कि कोविड-19 का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि उसकी नींद और सपनों पर भी पड़ रहा है। IPL 2020 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने जा रहा है, जहां इन दोनों ही दमदार टीमों के बीच मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमी काफी उत्साहित हैं। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने कोरोना को मात दे दी है, जहां इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके दी। साथ ही अर्जुन ने अपने प्रशंसकों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने के लिए कहा है। अमेज़न प्राइम वीडियो की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 रिलीज से पहले ही धमाल मचा रही है, क्योंकि 6 अक्टूबर को रिलीज हुए मिर्जापुर 2 के ट्रेलर को जबरदस्त व्यूज मिल रहे हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर ही मिर्जापुर 2 का ट्रेलर YouTube इंडिया में टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। नमस्कार।